कलाईगुंडा एयरफोर्स बेस जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड करेंगे, वहां से मौजूद है हमारे संवाददाता सूर्यग्नि रॉय। सूर्यग्नि, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी जाहिर की, उनको नहीं पसंद था कि शुभेंदु अधिकारी मीटिंग में शामिल हो, जब तलवारें हमेशा खिंची ही रहती हैं तो ये बात मान ही ली जाती, क्योंकि जो आंकड़े ममता बनर्जी पेश करेंगी वो इस वक्त ज्यादा जरूरी है आकलन के लिए कि कितना नुकसान हुआ है। तो अब जब वो नहीं आएंगी तो मीटिंग का तो पूरा पर्पस ही डिफीट हो गया। देखिए, ये ममता बनर्जी, उन्होंने पहले भी कहा था और आज भी उन्होंने फिर से रिएटरेट किया है कि प्रधानमंत्री के साथ वो मुलाकात करेंगी। एक अगर हम प्रधानमंत्री के कल का प्रीफिक्स शेड्यूल देखें, उसमें प्रधानमंत्री का फ्लाइट जो है भुवनेश्वर से एरियल टूर के बाद पश्चिम बंगाल के कलाईगुंडा एयरबेस जिसके सामने हम लोग खड़े हैं, वहां पे 2:05 पे फ्लाइट उतरेगा और 2:15 से लेकर 2:30 तक एक प्राइवेट रिजर्व स्पेस है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मिलने वाले हैं उस मीटिंग में। ये जो मीटिंग होने वाली है 15 का, उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही रहेंगे। हालांकि उसके बाद रिव्यू मीटिंग चलेगा जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी रहेंगे, गवर्नर भी रहेंगे, डीएम भी रहेंगे और बहुत सारे अफसर भी इस जिले के और दूसरे जिलों के जहां पे इम्पैक्ट हुआ है, ये लोग भी रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ममता बनर्जी का एक 1-on-1 होगा, 15 का रिजर्व टाइम, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ये प्रीफिक्स शेड्यूल था जिसमें दोनों ही एक दूसरे के साथ 15 के लिए बातचीत करेंगे। आज ममता बनर्जी ने कह भी दिया है कि वो रिव्यू मीटिंग में शायद नहीं रहेगी, जो 1 के लिए होगा, जो 2:30 से शुरू होगा 3:30 तक खत्म हो जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री वापस चले जाएंगे। लेकिन एक टाइम स्लॉट ऑलरेडी दिया गया था जिसके अंदर दोनों ही एक दूसरे से मिलेंगे और उसमें क्या बातचीत होती है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि क्या ममता बनर्जी फिर से एक स्पेशल पैकेज का मांग करती है कि नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद फिजिकली ये पहली बार ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों आमने सामने होंगे और दोनों एकदम प्राइवेटली बातचीत करेंगे।